नमस्कार दोस्तों, आपने अभी तक एक ही सूर्य उगता हुआ देखा होगा, लेकिन सोचिए अगर हमारी पृथ्वी पर तीन तीन सूर्य उगते हो तो क्या हो सकता है। खगोल शास्त्रियों ने एक ऐसा ही ग्रह खोज निकाला है जहां एक साथ तीन सूर्य उगते हैं और डूबते हैं। तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल टॉप इंटरेस्टिंग फेमस फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इसे मजेदार वीडियो देख सके। यहाँ का एक साल पृथ्वी के एक साल के बराबर होता है। इस ग्रह के कुछ हिस्सों में लगभग साल भर लगातार दिन ही रहता है और शेष हिस्सों में एक साथ तीन सूर्य उगते हैं। खगोल शास्त्रियों का कहना है कि एक ही ग्रह के पास तीन या इससे ज्यादा सूर्य होना बहुत दुर्लभ है। खगोल शास्त्रियों का मानना है कि यह ग्रह काफी युवा है। यह ग्रह करीब 1.60 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया होगा। माना जाता है कि तीन सूर्य वाला यह ग्रह पांचवा ऐसा ग्रह है जिसे इंसानों ने खोज निकाला है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह को SD 131399 AB नाम दिया है। साथ ही वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि कई तारों के सामूहिक सिस्टम में इसकी कक्षा सबसे बड़ी है। इस ग्रह को एक बार अपनी कक्षा का चक्कर लगाने में धरती के मुताबिक करीब 550 साल लगते हैं। यह ग्रह जिस सौर्यमंडल सेंटोरिस का हिस्सा है उससे सबसे चमकीले सूर्य के आसपास यह चक्कर लगाता रहता है। उससे छोटे दोनों सूर्य एक दूसरे के चक्कर लगाते रहते हैं। तीनों सूर्यों के बीच की दूरी हर दिन बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि एक सूर्य डूबता है तो दूसरा सूर्य उगता है। इस ग्रह पर एक ही दिन और एक ही समय में तीनों सूर्य दिखाई देते हैं। इसके कारण ही यहाँ तीन सूर्योदय और तीन सूर्यास्त होते हैं। यहाँ साल के एक चौथा हिस्से यानी कि धरती के मुताबिक 100 से 140 साल तक लगातार दिन ही रहता है। यह ग्रह हमारी धरती से 320 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह ग्रह को देखने के लिए खगोल शास्त्रियों ने चिली स्थित वेधशाला की बहुत बड़ी दूरबीन का इस्तेमाल किया। खगोल शास्त्रियों का यह भी कहना है कि इसका भार सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति से भी 4 गुना अधिक है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।